साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं टी फार्मा बी फार्मा मेडिसिन से रिलेटेड, और मैं उसका आंसर देता हूं। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। साथियों, हमसे पहुँचने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक उसी नाम से इजी स्टडी फार्मेसी के नाम से हमारा जो है फेसबुक पे पेज भी है, एंड डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नाम से हम FB पे अवेलेबल है। किसी तरह की क्वेरी करेंगे हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया है, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर डी फार्मा, यू आर माई इंस्पिरेशन, प्लीज रिप्लाई मी, ट्रेनिंग कंटिन्यू 3 मंथ की होती है या डे नाइट। कहने का मतलब है, विद्यार्थी ये पूछना चाह रहा है कि जो हॉस्पिटल की 3 महीने की ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी या दिन रात की ड्यूटी रहेगी, उससे काउंटिंग होगी, इस तरह का क्वेश्चन है। कहने का मतलब डे नाइट सब रहेगी। साथियों, इसके बारे में बताएंगे, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं डी फार्मा बी फार्मा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करके, और जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, मैं उनका जो है ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। साथियों, जैसा कि विद्यार्थी ने पूछा है कि मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और यू आर द माई इंस्पिरेशन, प्लीज़ रिप्लाई मी, ट्रेनिंग कंटिन्यू 3 मंथ की होती है या डे नाइट। साथियों, विद्यार्थी का पूछने का मतलब है कि कितने घंटे की ड्यूटी मतलब रहती है, और दिन में भी लगती है क्या, रात में भी लगती है, अगर रात में भी लगती है तो क्या दिन में भी लगेगी, ऐसा करके। साथियों, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी सेवाएं चलती हैं, जैसे कि हमारा जो है संयुक्त चिकित्सालय है, 100+ बेड हॉस्पिटल है, जिसमें क्या होता है कि 3 शिफ्ट में जो है इमरजेंसी चलती है, मॉर्निंग 8 to 2 PM, आफ्टरनून जिसको हम इवनिंग शिफ्ट कहते हैं वो 2 to 8 PM चलती है, और नाइट शिफ्ट में 8 PM to 8 AM मॉर्निंग, जैसा कि आज हमारी नाइट ड्यूटी है। तो साथियों, इसमें होता क्या है, 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, 500 आवर्स की डी फार्मा वालों को हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करनी है। उसमें होता क्या है साथियों कि जो है कोई एक शिफ्ट आपकी 24 घंटे में लगेगी, अगर आपने मॉर्निंग की है तो नाइट नहीं लगेगी, अगर नाइट है तो मॉर्निंग नहीं लगेगी। हम जो है रोस्टर में क्या करते हैं कि 15 डेज कहीं पे, कहीं पे 10 डेज, कहीं पे 8 डेज के लिए ड्यूटी रखते हैं एक शिफ्ट में। जैसे क्या होता है कि चेस्ट ओपीडी साथियों क्या है कि हमारा पहले टीबी अस्पताल था, टीबी अस्पताल में क्या होता था कि चेस्ट ओपीडी फिजिशियन जो होते हैं, फिर उसमें COPD का केस है, टीबी के मरीज आते हैं, खांसी होती है, गले में खराश है, फेफड़े से ग्रसित बीमारी है, ऐसे केस में क्या होता है कि वो पेशेंट उन्हीं डॉक्टर को दिखाते हैं जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनकी जो है मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। फार्मासिस्ट का काम है कि जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। साथियों, दवा के रखरखाव से लेकर दवा के डिस्ट्रीब्यूशन तक की, दवा की डोज तक की बताने का, और दवा के प्रोडक्शन तक की काम हमारा है। अगर कोई महिला और पुरुष जो फार्मासिस्ट नहीं है और दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो कोर्ट के द्वारा उसमें 6 मंथ की जो है कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना की सज़ा है। इसलिए दवा देने का काम सिर्फ फार्मासिस्ट का है। तो साथियों, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दवाई, और दवाई की डोज के बारे में बताते हैं। उसी तरह से मेन ओपीडी है साथियों, मेन ओपीडी में लगाते हैं, उसमें हर तरह के मरीज आते हैं, जैसे गायनकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डेंटल हैं, उसके बाद आर्थो के पर्चे आते हैं, पीडियाट्रिशियन आते हैं, सर्जन के आते हैं, और जो है क्या होता है न्यूरोसाइकेट्री के केसेस आते हैं। इस तरह से बहुत तरह के दवा डॉक्टर्स बैठते हैं, और डॉक्टर जो है क्या होता है कि मेडिसिन लिखते हैं, बड़े पर्चे पे छोटी पर्ची लिखते हैं, वो इन स्टोर फ्री में दी जाती है मरीज को, और वो दवा जो है मरीज को फार्मासिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसको जो है मरीज को हम डोज भी बताते हैं। उसी तरह से साथियों क्या होता है, इंजेक्शन रूम है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंजेक्शन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। इंजेक्शन रूम हमेशा फार्मासिस्ट के पास होता है, इंजेक्शन लगाने का काम हमारा होता है। तो साथियों, जैसे रैबिस है, रैबिस कितनी डोज लगेंगी, 3 डोज लगती हैं, कब लगती है, कैसे लगती है, टिटनेस लगती है, जैसे गायनकोलॉजिस्ट हैं प्रेग्नेंट महिलाओं की लिखती हैं, सर्जन है, किसी का ऑपरेशन होना है या किसी को चोट लग गई है उसको जो है लिखती हैं, उसी तरह से है टीबी चेस्ट के डॉक्टर हैं, डेरीफाइलिन लिखते हैं, डेक्सामेथासोन लिखते हैं, बीटा मेथासोन लिखते हैं,
और जो है क्या होता है कि जैसे डेंटल डॉक्टर हैं वो डाइक्लो लिखते हैं। अब डाइक्लो में साथियों ये है कि IM ही हमेशा लगता है, IV भी लगता है, वो इंजेक्शन लगते हैं जिसपे मेंशन होता है कंपनी के द्वारा IM एंड IV यूज ओनली। तो वो क्या होता है कि ड्रिप में या जो है वीगो के थ्रू स्लोली स्लोली लगाया जाता है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, अदरवाइज मोस्टली टाइम जो है IM ही इंजेक्शन ये लगता है साथियों। तो बहुत तरह के इंजेक्शन हैं साथियों, जो है बहुत तरह के इस एंटी स्नेक विनोम इंजेक्शन तक की है साथियों। उसकी डोज क्या है, कैसे लगाना है, IM है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ बताना होता है, तो वो काम हमारा है। उसी तरह से क्या होता है, इमरजेंसी शिफ्ट लगती है, मॉर्निंग में शिफ्ट लगती है 8 to 2 PM, उसमें मरीज आता है, मरीज जो है क्या होता है साथियों की सडन एक्सीडेंटल केस आ गया, हैंगिंग केस आ गया, और जहर खा के कोई आ गया है या किसी को जो है स्नेक ने काट लिया है, और उसको इमरजेंसी में क्या होता है डॉक्टर रहता है, डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट की हमेशा ड्यूटी रहती है, और जो है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम फार्मासिस्ट और डॉक्टर का है कि फटाफट उसको दवा दिया, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट होता है, वहाँ पर नर्सिंग केयर में नर्सिंग उसको जो है जो BST पे दवा लिखी होती है वो काम है। तो फार्मासिस्ट का काम है डॉक्टर मेंटेन करना, मरीज का नाम लिखना, BST को पूरा कंप्लीट करना, डॉक्टर उसमें अपनी दवा लिखता है और उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो मरीज को स्टूडेंट जो भी आता है उसको इमरजेंसी में सिखाते हैं कि कैसे BP नापना है, कैसे SpO2 नापना है, कैसे स्टेथोस्कोप से चेक करना है, और कैसे ऑक्सीजन अगर देने की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन कैसे उसको जो है देते हैं, ये सभी कुछ हम सिखाते हैं साथियों। साथियों विद्यार्थी को हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक चीज़ उसको जो है सिखाते हैं हॉस्पिटल में। साथियों किसी तरह की क्वेरी है आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। साथियों एक और चीज़ मैं बताऊंगा, डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस क्या है, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं हमसे। डी फार्मा साथियों क्या है कि क्लिनिकल में मैप है साथियों की, जैसे ड्रेसिंग करना साथियों, एक रूम होता है मरहम पट्टी जिसको हम ड्रेसिंग रूम कहते हैं, फार्मासिस्ट का काम है ड्रेसिंग करना है, कैसे क्या है, बीटाडीन लगेगी ड्रेसिंग विद सोफ्रामाइसिन होगी या सिल्वरेक्स है, अगर कोई जल गया है तो फार्मासिस्ट के अंडर में रहता है, उसमें भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या प्लास्टर रूम होता है वहाँ पे जो है कैसे प्लास्टर चढ़ता है उसमें हम जो है सिखवाते हैं। हर तरह की ड्यूटी हम जो है बदल बदल के लगाते हैं ताकि विद्यार्थी को एक एक चीज़ आ जाए। बीच बीच में साथियों हम रिव्यू भी करते हैं कि विद्यार्थी को कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक चीज़ सीख ना पाया हो, तो कोशिश हमारी होती है। हम नाइट ड्यूटी भी कराते हैं, नाइट शिफ्ट में कैसा मरीज आता है, क्या दिक्कत होती है, मॉर्निंग ड्यूटी भी कराते हैं, आफ्टरनून ड्यूटी भी कराते हैं। एंड साथियों अभी मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है और बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है। साथियों जो हॉस्पिटल में सरकारी जॉब लगती है वो डी फार्मा की क्लिनिकल में है, जहाँ पे दवा का रखरखाव से लेकर दवा के डिस्ट्रीब्यूशन और दवा की डोज तक की बताने का काम हमारा है। बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है, जैसा कि प्रोडक्शन में वो जा सकते हैं, फैक्ट्री में दवा बनाने का काम हमारे जो बी फार्मा भाई हैं उनका है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि अपग्रेड करके वो लेक्चरर भी बन सकते हैं, जैसे एम फार्मा कर लेते हैं, बी फार्मा डी फार्मा वालों को पढ़ाते हैं। उसी तरह से साथियों क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर की सरकारी जॉब निकलती है, उसमें वो भर के जो है उसकी जॉब दे सकते हैं, उसमें लगती है। अदरवाइज जो है हायर एजुकेशन एकदम बैचलर और मास्टर डिग्री हो जाती है, तो बहुत सी ऐसी जो है क्या कहते हैं कि ISPCS की वैकेंसी है, उसमें भी वो लोग जॉब को अप्लाई करके भरते हैं। और साथियों क्या होता है कि बहुत सी एसोसिएशन और संगठन की लड़ाई के बाद जो है, क्योंकि डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है, बी फार्मा वाले कहते हैं मेरे लिए भी सर वैकेंसी नहीं है, तो लड़ाई लड़ने के बाद केंद्र की SI हॉस्पिटल है या आर्मी के हॉस्पिटल हैं उसमें डी फार्मा बी फार्मा दोनों अप्लाई करते हैं, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कम्प्लीट होता है वो उसकी जॉब में वो लगता है। तो साथियों किसी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमसे पूछेंगे, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।